कहानी के शुरू में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कुछ लिख रही थी। उसके बाद वह बाहर आती है और सूरज निकलने का इंतजार करती है, और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती वह जलकर मर जाती है। दरअसल ये लड़की एक पिशाच थी। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे, जिसमें किसी वायरस के फैलने से लोग पिशाच बन जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ इंसानों का खून ही पीते हैं, इसलिए इंसान भी ख़त्म होते जा रहे थे और वैम्पायर की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वह सूरज की रोशनी से दूर रहते क्योंकि सूरज की रोशनी उन पर पड़ते ही वह जल जाते थे, इसलिए वह रात में अपना सारा काम करते थे। साइंटिस्टों का मानना था कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही बचे हैं, जिसकी वजह से वैम्पायर 1 महीने तक ही जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि इंसान कम थे, इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून चाहिए था, और इसका हल निकालने के लिए वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी ने आर्टिफिशियल ब्लड बनाने पर रिसर्च कर रही थी। इस खून को चेक करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड था। ये कंपनी इंसानों को पकड़कर उनका खून निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी, ताकि वह ऐसा ही खून बना सके और वैम्पायर को खून मिलता रहे और वह जिंदा रह सके। डॉक्टर एडवर्ड भी एक वैम्पायर ही था, लेकिन वो अपनी लाइफ से थक चुका था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वह इंसानों पर जुल्म होता रहे, और इसी वजह से वह इंसानों का खून पीना भी बंद कर दिया था। सिर्फ जानवरों का खून पर ही वह जिंदा रहने लगा था। उनकी कंपनी की मीटिंग में पता चलता है कि खून की कमी से वैम्पायर एक खतरनाक क्रिएचर में बदल रहे हैं, जो कि खून के लिए वैम्पायर को भी मार सकते हैं, और ये क्रिएचर उनकी सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। एडवर्ड का बॉस उसे कहता है कि जो तुमने खून बनाया है उसे आज ही किसी पर टेस्ट करना होगा, लेकिन एडवर्ड कहता है कि वह खून अभी रेडी नहीं है। हम किसी भी वैम्पायर पे उसे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ना चाहते हुए भी एडवर्ड को करना पड़ता है, और एडवर्ड का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है। जब एडवर्ड रात को घर जा रहा था, तभी शीशे में अपने कान को देखता है जो बड़े हो रहे थे, और जैसे मीटिंग में बताया गया था सेम वैसे ही हो गया था। तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर उसे तो कुछ नहीं होता, पर दूसरी कार को बुरी तरह टक्कर लग जाती है। जब वो गाड़ी में देखने जाता है, तभी एक लड़की उस पर तीर से हमला कर देती है, पर एडवर्ड को कुछ नहीं होता। तभी वो देखता है कि उस गाड़ी में तो सभी इंसान थे, और वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है जो इंसानों को पकड़ना चाहती थी। तभी एडवर्ड पुलिस को गलत रास्ता बता देता है, जिससे कि वह इंसान बच जाते हैं और एडवर्ड को थैंक्स बोलते हैं। जब एडवर्ड अपने घर आता है तो अपने छोटे भाई को देखता है जो उसके बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आया था। उसका भाई मिलिट्री में फौजी था जो इंसानों का शिकार करता था और एडवर्ड की कंपनी को दे देता था। एडवर्ड का भाई उसके लिए इंसानों का खून बोतल में लेके आया था, जो पीने से एडवर्ड मना कर देता है, और इसी बात पर उसके भाई से बहस हो जाती है, और गुस्से में उसका भाई खून की बोतल को दीवार पर मारता है और खून को सूंघ कर वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है। तभी वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, लेकिन एडवर्ड का भाई हिम्मत करके उस क्रिएचर को मार देता है। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर वो लड़की आती है जो उस पर तीर से हमला की थी। इस लड़की का नाम एड्री था। दरअसल इसने एडवर्ड की गाड़ी में उसकी आईडी को चेक किया था, जिससे पता चल गया था कि एडवर्ड खून का डॉक्टर है जो कि इनकी मदद कर सकता है। अब वो इसको एक जगह का पता देकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि एड्री के पास इस बीमारी का हल था जिससे वो सभी वैम्पायर को ठीक कर सकती थी। इधर एडवर्ड का बॉस उससे कहता है कि नकली खून बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो अमीर वैम्पायर है वो असली खून ही चाहते हैं और उसके लिए अच्छे पैसे भी दे रहे हैं। एडवर्ड अपने बॉस की बात सुनकर ये सोचता है कि इसका मिशन तो ये था कि नकली खून बनाकर इंसानों को बचा सके। अब ये सीधे एड्री के लाए हुए पते पर चला जाता है। उधर एड्री उसे एक वैम्पायर से मिलवाती है जो पहले एक वैम्पायर था, बाद में आदमी में बदल गया। पर तभी उधर एडवर्ड का भाई आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। दरअसल उस रात एडवर्ड और एड्री को बात करते हुए उसके भाई ने सुन लिया था। जब वो आर्मी वालों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो दोनों उसके मुंह पर मुक्का मारकर बेहोश कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, पर आर्मी के लोग उनकी गाड़ी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। अब वो इंसान जो वैम्पायर से इंसान में बदल गया था, वो एडवर्ड को एक नदी के पास लेके जाता है और अपनी कहानी बताता है। एक दिन वो कहीं से वापस आ रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी सीधे नदी में गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि सूरज की रोशनी उस पर असर नहीं कर रही थी क्योंकि वो इंसान में बदल चुका था, और वो सब एक और जगह पे जाते हैं जहां और भी इंसान रहते हैं। ये जगह दरअसल उसकी माँ और पापा की थी। एडवर्ड उस आदमी का खून चेक करता है, आखिर उसके खून में क्या चेंज हुआ था। अब एडवर्ड को समझ आ चुका था एक वैम्पायर सूरज की रोशनी से ही इंसान बन सकता था। दूसरी तरफ कंपनी में खून का ज़्यादा जमा न होने के कारण इंसानों को खून निकाल कर उन्हें मारा जा रहा था।
खून की सप्लाई भी अब कम हो चुकी थी, जिससे वैम्पायर में गुस्सा बढ़ गया था। उनका अब खुद पर से काबू खत्म हो रहा था। उधर दूसरी तरफ गाड़ी में एक आदमी और एक लड़की जो आम इंसान थे, जो ऑड्री के पास जा रहे थे, तभी कुछ फौजी रास्ते में उन्हें पकड़ लेते हैं। ऑड्री जानती थी कि ये फौजी उसकी जगह को भी ढूंढ लेंगे, इसलिए ऑड्री सभी लोग को किसी और जगह पर शिफ्ट कर देती है और खुद एडवर्ड के साथ वहीं रुक जाती है, और उनके साथ वो आदमी भी रुक जाता है। ये तीनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि वैम्पायर के इंसान में कैसे बनाया जा सकता है, और एडवर्ड उस आदमी की तरह अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। पहले अपने ऊपर सूरज की रोशनी लेता है, फिर उसका जिस्म जलने लगता है, फिर खुद पर पानी डलवाता है जिससे वह आम इंसान में बदल जाता है। उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। तब तक वहाँ पे आर्मी वाले भी उनको ढूंढते हुए आ जाते हैं। वो एडवर्ड और उसके साथी को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो पानी वाले टैंक में छुप जाते हैं। उन्हीं फौजियों में एडवर्ड का भाई भी था। उनको वहाँ पर एक लड़की मिलती, वो एडवर्ड का बॉस की बेटी थी। वो अपने डैड को छोड़कर आई थी क्योंकि वह साधारण इंसानी की तरह जीना चाहती थी, वह वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। अब एडवर्ड का बॉस उसके भाई को ऑर्डर देता है कि उसकी बेटी को काट कर वैम्पायर बना दे ताकि उसकी बेटी भी उसके साथ रह सके, और एडवर्ड का भाई वैसा ही करता है। अभी वो लड़की इंसानों का खून पीने के लिए तैयार नहीं थी और खुद का ही खून पीने लगती है। इधर खून की कमी होने की वजह से वैम्पायर क्रिएचर में बदलने लगे थे और शहर में हलचल मच जाती है, और आर्मी वालों को ऑर्डर दिया जाता है कि इन क्रिएचर को पकड़ कर मार दिया जाता है। इन्हीं क्रिएचर में एडवर्ड के बॉस की बेटी भी थी। उनका ये हाल देख कर एडवर्ड के भाई को बहुत तरस आता है। उधर एडवर्ड ऑड्री के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ इन्होंने पहले अपने लोगों को भेजा था। उधर पहले ही वैम्पायर का शिकार हो चुके थे। अब एडवर्ड अपने भरोसेमंद आदमी को फ़ोन करता है जो इसी के साथ काम कर रहा था। जब वो उसके पास जाता है और उसे इंसान बना देखता है तो हैरान हो जाता है। उधर आर्मी आ जाती है और ऑड्री को अपने साथ ले जाती है। इनको एडवर्ड का दोस्त नहीं बुलाया था क्योंकि इसने नकली खून बनाने का खोज कर ली थी और वो नहीं चाहता था कि इस बात का रिवार्ड किसी और को मिले। एडवर्ड और ऑड्री का साथी वहाँ से कैसे भी करके वहाँ से भाग जाते हैं, फिर गार्बेज में जाके छिप जाते हैं। फिर उनका पीछा करते हुए एडवर्ड का भाई वहाँ आ जाता है। वो दोनों इसको मारने वाले थे तभी वो कहता है कि वो इनका साथ देने आया है। तभी एडवर्ड का भाई भूखा था और वो ऑड्री के साथी का खून पीने लगता है। एडवर्ड उसे मारने वाला होता है, तभी वो देखता है कि उसका भाई आम इंसान बन चुका है। तब उसका भाई समझ जाता है कि उनका खून ही वैम्पायर को आम इंसान में बदल सकता है। अब यह खुद को अपने बॉस के हवाले कर देता है क्योंकि ऑड्री को बचाना चाहता था, और जाकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से वैम्पायर बनना चाहता हूँ। और जैसा ही ऑड्री का बॉस उसका खून पीने लगता है, वो भी आम इंसान में बदल जाता है, जिसके बाद वह उसे आर्मी वाले के पास छोड़ देता है, जिससे आर्मी वाले भी उसका खून पी के आम इंसान में बदल जाते हैं। अब एडवर्ड ऑड्री को वहाँ से बचा के ले जा रहा था, तभी कुछ फौजी उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन उसे बचाने के लिए अब एडवर्ड का भाई वहाँ आ जाता है और सभी आर्मी वाले उसका खून पी के आम इंसान बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो आदमी जो एडवर्ड के साथ धोखा किया था उनको मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोसाइटी में आम इंसान हो, क्योंकि नकली खून बनाने का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था जिससे वो पैसे कमाना चाहता था। अब वो एडवर्ड और ऑड्री को मारने की कोशिश करता, तभी वहाँ पर ऑड्री का साथी उस पर तीर से हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों मिशन पर निकल जाते हैं और वो सभी वैम्पायर को इंसान में बदलने लगते हैं, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।